हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं है ना तो क्या ही प्रॉब्लम, क्योंकि लाइफ में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, तो उसका सामना हंस के करते हैं। सो, हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 9। ज़्यादा बकवास नहीं करते होगे। सो, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वी वुशियान को पता चल गया था कि वो वुल्फ कोई और नहीं बल्कि लान वांगजी ही है, और वो उस वुल्फ को लेकर के लान हाउस लेके आ रहा था, क्योंकि वो वुल्फ थोड़ा सा वांगजी को एक इंजेक्शन लग गया था जिसके कारण से वो थोड़ा सा वीक फील कर रहा था, तो इसीलिए उसे लेकर के आ रहा था लान हाउस। सो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विंग जब लान हाउस पहुंचता है और फिर जब मेन डोर खोल के जब अंदर जाता है ना, तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने जो देखा वो शॉकिंग चीज़ ही है। उसके सामने लान फैमिली, जिन फैमिली, नी फैमिली, साथ ही साथ जियांग फैमिलीज भी थे। ये देख कर विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि जियांग फैमिली को कैसे पता चला कि वो यहाँ पे है, और जियांग फैमिली यहाँ कैसे आ गए, और इतनी सारी उसके माइंड में सवाल थी ना कि क्या ही बोले। फिर भी विंग अंदर जाता है, और जब वो अंदर जाता है ना, तो सभी के सभी, मतलब टोटली सभी लोग, नी फैमिली, जियांग फैमिली, जिन फैमिली, यहाँ तक कि लैन फैमिली, आई मीन लैन कुरन और लैन सचेन, ये तीनों ही अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं, और यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी मेट से सर्वेंट्स थे, सभी लोग अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं, और सब एक साथ बोलते हैं हंग वन जून, ऐसे बोल के सब लोग एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं, जैसे लगता है कि वो लोग उनको मतलब आदर कर रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं, समथिंग कुछ इसीलिए सबके सब अपने घुटने के बल बैठ के अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। ये देख के विंग तो और सॉफ्ट कि ये क्या, ये हंगवनजुन कौन है, और ये लोग ऐसे घुटने पे क्यों बैठे हुए हैं। इतनी तेज से सॉफ्ट हुआ था ना कि उसको ये भी समझ नहीं आता कि उसके हाथ में जो चीज़ है, जो वुल्फ है उसके मतलब गोद में, उसने जिसको पकड़ के रखा है, वो छटपटा रहा है कब से। तो बाद में विंग को रियलाइज़ होता है कि वो जो वुल्फ है, वांगजी जो है ना, वो उसके गोद में छटपटा रहा है, उसको छोड़ने की कोशिश कर रहा है कि वो छोड़ दे, विंग उसे छोड़ दे, बट विंग छोड़ नहीं रहा है। तो लान सचेन आखिरकार बोल देते हैं कि आप उसे छोड़ दीजिए, तब जा करके विंग उसको ज़मीन पर छोड़ता है, और जैसे ही वो ज़मीन पर खड़ा होता है ना वुल्फ, पहले वो वुल्फ अपनी पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से झाड़ता है, मतलब जैसे वो होता है ना कि हम लोग एक जगह ऐसे बैठे रहें तो अकड़ जाती है बॉडी, तो इसीलिए पूरी तरीके से वो अपने बॉडी को झाड़ता है, हिलाता है, डुलाता है, एकदम अच्छे से सब चीज़ कर लेता है, उसके बाद वो सीधे खड़ा हो जाता है और फिर अपने सर से एक इशारा करता है, उसके बाद जा कर के सब लोग खड़े हो जाते हैं, अपने सीट पर खड़े हो जाते हैं, और जब वो खड़े हो जाते हैं ना, तब फिर जा कर के वो जो वुल्फ रहता है ना, वो वुल्फ चुपचाप एकदम चुपचाप जाता है, और वहाँ पे एक सोफ़ा रहता है, जो एक्स्ट्रा सोफ़ा रहता है, उस पर किसी को बैठना अलाउड नहीं रहता है, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा सोफ़ा था जैसे कि किंग्स की तरह वो सोफ़ा था, तो वो वुल्फ जा कर के उस सोफ़े पे जा कर बैठ जाता है, उस सीट पे जा कर के बैठ जाता है, और वो ना खुद को मतलब वो होता है ना कि खुजली करना, पैरों से हाथ से खुजली करना, और फिर वो ना जहाँ पे उसे इंजेक्शन मतलब लगा हुआ था वहाँ पे वो लिक करने लगता है, फिर उसके बगल में ना सिचान आते हैं और उसके उसी जगह पे जहाँ पे उसे इंजेक्शन लगा था उसे सहलाने लगते हैं, और फिर पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो फिर वो वुल्फ ना इशारे में कुछ बोलता है जिससे कि वो समझ जाते हैं, फिर वो बोलते हैं ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो फिर वो वुल्फ मना कर देता है, फिर बोलता है कि मैं अभी मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, मैं उसके लैंग्वेज का बता रही हूँ। जब लान सचेन पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो फिर वो वुल्फ बोलता है, वांगजी बोलता है कि मुझे इंजेक्शन उन लोगों ने मार दिया था, तो फिर सचेन बोलते हैं ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो फिर वो बोल
लगता है कि नहीं अभी ठीक है, क्योंकि मैंने मेडिसिन लगा लिया था, तो उसे चैन थोड़ा सा राहत की सांस लेते हैं और फिर उसको प्यार से उसके बालों को सहलाने लगते हैं, जिससे वांग जी को भी बहुत अच्छा फील होता है और उनके गोद में अपना सर रख देता है। ये सब देख के ना विंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। फिर विंग अपनी फैमिली की तरफ देखता है, फिर लैन फैमिली की तरफ देखता है, सबकी तरफ देखता है, और उस तरफ जियांग चा और नी होसेन अपना सर नीचे करके खड़े थे। अब यहाँ से फ्लैशबैक जाता है जब विंग भागा था वांग जी के पीछे और नी होसेन और जियांग चैन उन लोगों से बात कर रहा था, वेन चाओ के लोगों से बात कर रहा था। तब उन लोग ना वेन चाओ के लोग ना नहीं मानते हैं जियांग चैन और नी होसेन की बात, इसीलिए ना जियांग चैन और नी होसेन वहाँ से चले जाते हैं। और नी होसेन बोलता है कि मुझे हम लोग को लैन फैमिली के पास जाना चाहिए। और जब वो लोग लैन फैमिली के पास जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखते हैं कि लैन सिचैन और लैन कुरैन के साथ ही साथ वहाँ पे जियांग फैमिली भी है। ये देख के मतलब जियांग चैन शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मदर फादर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फिर जियांग फैमिली बोलते हैं, मैडम यू बोलती हैं कि मुझे कुरन ने यहाँ बुलाया था। ये सुन के तो जियांग चैन शॉक्ड हो जाता है कि ये लोग जानते ही नहीं। फिर उसके बाद जो लैन कुरन है ना, वो बोलते हैं कि एक्चुअली नी हुसैन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इसीलिए मैंने जियांग फैमिली को फोन करके बता दिया था। और अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जियांग चे और नी होसेन कुछ भी नहीं छुपाते, वो लोग स्टार्टिंग से लेके अब तक की सारी बातें बता देते हैं कि विंग क्यों आया था, और विंग और जियांग चेन क्यों आए थे, किस लिए आए थे, किस मिशन पे आए थे, किसने कहा था और किस लिए आए थे, और फिर विंग को कैसे वुल्फ ने काटा, और मतलब सब चीज़ डिटेल में उन लोगों को बता देते हैं। और जिसे सुन के जो मैडम यू रहती ना, इतनी तेज़ गुस्सा आ जाती ना, इतनी तेज़ कि क्या ही बोले, वो बहुत तेज़ी से वो गुस्सा आ जाती हैं। और फिर वो बोलती हैं कि तुम्हें पता भी है कुछ? तुम्हें कुछ नहीं पता है? तुम लोग को किसने कहा था यहाँ पे ये सब करने की? और यहीं पे फ्लैशबैक एंड होता है। अब विंग को सब लोग घूर घूर के देख रहे हैं, और मैडम यू गुस्से में आती हैं आगे और बोलते हैं तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है गलती? तो फिर विंग अपना सर झुका देता है और बोलता है नहीं मदर। तो मैडम यू अपने सर पे हाथ रख लेती हैं और बोलती है मैं क्या करूं तुम लोगों का, तुम लोग क्यों नहीं कभी बता के आते हो, कुछ करते हो? फिर मैडम यू बोलती है तुम लोग को मैं एक बात बता देती हूँ, तुम लोग जिस जगह को डिस्ट्रॉय करने आए हो ना, तुम लोग जिस जगह के जंगल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो ना, वो जगह हम लोग का भी है, यानी कि इस जगह पे हम लोग भी रहते थे और अभी भी चाहे तो रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का घर अभी भी है। हम लोग गए थे शहर क्योंकि हम लोग को कुछ वर्किंग करनी थी, हम लोग को अलग रहना था इस जगह से, इसीलिए हम लोग यहाँ इस जगह को छोड़ के गए थे, पर हम लोगों ने कभी भी हमेशा के लिए इस जगह को नहीं छोड़े थे। हम लोग सिर्फ तुम लोग के परवरिश के लिए ही इस जगह को छोड़े थे। तुम लोग क्यों नहीं सुनते हो हम लोग की बात? हम लोग को बता तो देना चाहिए था कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किस कारण से आए हो। तो ये सब विंग सुनता है ना, तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा वो शॉक्ड हो जाता है, इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकलता है। फिर मैडम यू बोलती है तुम्हारे मदर और फादर यहीं के रहने हैं, मदर तुम्हारे मदर और फादर ही नहीं, हम सब यहीं पे रहते थे जब तुम छोटे थे, तब से तब हम लोग यहीं पे रहते थे, पर कुछ हादसा हुआ था जिसके कारण से हम लोग को शहर जाना पड़ा। और उसके बाद से तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे और हम लोग को तुम्हारा इलाज के लिए शहर जाना ही पड़ा था। तुम्हारे इलाज के
के दौरान हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए हम लोग वहीं पे रहने की डिसाइड किए थे और पैसे कमाने की डिसाइड किए थे। फिर विंग बोलता है, अपने शॉकिंग स्टेज से बाहर आता है और बोलता है, मेरे मदर और फादर यहाँ पे रहते थे? फिर मैडम ये बोलती हैं हाँ। तो फिर विंग बोलता है तो उनकी डेथ, तो फिर जो मैडम जो होती है ना वो बोलती हैं उनकी डेथ भी इस जगह को बचाने के चक्कर में ही हुई थी। कुछ लोग थे जो कि इस जगह को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इस जगह के पेड़ को, पेड़ के लिए, मतलब यहाँ पे इतने इतनी ज़्यादा पेड़ हैं और इन पेड़ों की अगर तुम शहर में जाके बोल कीमत लगाओगे ना तो लाखों से ऊपर आएंगे ये पेड़, इसीलिए वो लोग इस पेड़ के चक्कर में इस जंगल को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। उसको बचाते बचाते ही तुम्हारे मदर और फादर की जान गई है, तुम्हारे मदर फादर की ही नहीं वांगजी के ग्रैंडफादर का भी जान इसी चक्कर में गया है। ये सुन के विंग और सॉक्ट, वांगजी का ग्रैंडफादर? फिर विंग बोलते हैं हमारी फैमिली का लैंड फैमिली से, मैं समझा नहीं। तो फिर मैडम, फिर जियांग फैमिली आगे आता है और बोलते हैं मैं बताता हूँ, तुम्हारे मदर और फादर वांगजी के मदर और फादर के फ्रेंड थे, तुम्हारी मदर और तुम्हारे वांगजी की मदर दोनों ही अच्छी खासी अच्छी दोस्त थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि तुम्हारी साथ, मतलब उनके जो बेली में बेबी है उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या जेंडर होगा, बस उन्होंने ये डिसाइड किया था कि तुम्हारी शादी, मतलब उनके जो बेली में जो बेबी है उनकी शादी तुम्हारे साथ ही होगी, जिसके कारण से वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि क्या होगा उनके साथ। वो लोग जिस दिन मैडम लैन ने वांगजी को बर्थ दिया उसी दिन वो चल बसी, क्योंकि वांगजी वुल्फ के सारे पावर के साथ जन्म लिया था। तुम्हें पता है विंग, जब वांगजी उसके बेली में था उसके मदर के करीब वो 2 महीने का था, तब तो उसकी पूरी बॉडी भी नहीं बनी होगी, तब तुमने उसे पहली बार उनके बेली को टच किया था और तब वांगजी ने रिस्पॉन्स किया था, जबकि उसकी पूरी बॉडी भी नहीं बनी थी फिर भी उसने तुम्हें रिस्पॉन्स किया था। इसीलिए मैडम लान चाहती थी कि उनके इस बच्चे का हस्बैंड तुम बनो, पर जब मैडम लान का डेथ हो गया तब उसके थोड़े दिन के बाद ही इस जंगल पे हमला हो गया। मिस्टर लैन ने इस जंगल को बचाने की कोशिश की और उनके साथ देने वाले तुम्हारे मदर और फादर भी थे, और इस जंगल को बचाते बचाते उन सभी की डेथ हो गई। उनके डेथ के बाद ये जंगल सेफ तो हो गया, बट वो बोलते हैं ना कि बुरी नज़र लगने में अच्छी चीज़ में टाइम नहीं लगता, वही हुआ है। अब फिर से वो सब स्टार्ट हो गया है। फिर विंग बोलता है आखिरकार इस जंगल में ऐसा क्या है जो इतना सब, तो फिर मास्टर लैन बोलते हैं, आई मीन लैन कुरैन बोलते हैं, मैं बताता हूँ ये चीज़, ये बात बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। प्राचीन काल में जब यहाँ पे, मतलब गुसु क्लान नहीं था, थोड़ा सा मतलब वो गुसु क्लान बनना स्टार्ट हुआ था तब, उस टाइम पर एक वुल्फ था जो कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, उसके पास पावर्स भी बहुत थे, लेकिन उससे एक इन सभी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा घमंड था कि वो सबसे ज़्यादा अलग एनिमल है और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो सबसे अलग है, इन चीज़ का वो घमंड रखता था अपने पास। सारे जानवरों को बुली करना, इंसानों को चोट पहुंचाना,
हर एक काम वो बुरी आदतें करता था, जिसके कारण से गॉडेस सारे गॉड्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो गॉड्स ने उस वुल्फ को एक श्राप दे दिया था, एक कर्ज दे दिया था कि तुम्हें अपने जो इन पावर्स और खूबसूरती पे घमंड है ना, एक दिन इन तुम्हारी इस खूबसूरती के लिए सभी लोग लड़ेंगे आपस में, तुम एक जंगल का रूप ले लोगे, तुम्हारे ऊपर ही अब सारे के सारे पेड़ पौधे ही होंगे और उन सारे पेड़ पौधों के लिए सब लोग आपस में ही लड़ जाएंगे। तुम्हें खुद पे बहुत ज्यादा घमंड है ना, तो तुम्हारी मौत भी इसी तरीके से होगी, इसी घमंड के साथ होगी। ये सुन के वो जो वुल्फ रहता है ना, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद से वो वुल्फ किसी को भी चोट नहीं पहुंचाता है, किसी को भी बुली नहीं करता है, वो सबकी हेल्प करता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा वुल्फ बन जाता है। और जब सारे गॉड, सारे जो भगवान लोग रहते हैं, जब वो लोग ये सब देखते हैं ना, तो फिर वो वापस उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं, चलो तुमने अपने पावर्स का सही इस्तेमाल तो किया, मुझे इस चीज़ की खुशी है। तो वो वुल्फ बोलता है, प्लीज़ आप इस श्राप को हटा दीजिए मेरे ऊपर से, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत इस तरीके से हो। तो वो जो गॉड्स रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि ठीक है, तो हम वैसे इस श्राप को नहीं हटा सकते, पर हाँ कुछ टाइम के बाद तुम्हें एक लड़की मिलेगी जो तुमसे प्यार करेगी, उसके बाद से वो तुम्हारे बेबीज़ को जन्म भी देगी और उसके बाद का सारा जनरेशन तुम्हारी सुरक्षा करेगा। जो भी पीढ़ी जन्म लेगी वो अगर ह्यूमन बनी तो कोई बात नहीं, पर उनमें से कोई एक वुल्फ जन्म लेगा और वो वुल्फ तुम्हारे इस जंगल के रूप को बचाएगी। जंगल के रूप में तुम अभी भी जीवित रहोगे, मतलब तुम कभी नहीं मरोगे, तुम जंगल के रूप में जीवित रहोगे, पर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होगी, जिसे बचाने के लिए, इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक सेवियर का जन्म होगा और वो भी तुम्हारे ही फैमिली में, लैंड फैमिली में। और तब से लेके आज तक ये प्रथा चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत लोग आए, बहुत लोग का जन्म हुआ, वुल्फ के रूप में, ह्यूमन के रूप में सबका जन्म हुआ और सब लोग इस जंगल को बचाते आए हैं। और इस बार जब सिचैन का जन्म हुआ था, तो उन्हें लगा था कि शायद ये सिचैन वुल्फ के रूप में लेगा जन्म, लेकिन सिचैन एक ह्यूमन के रूप में जन्म लेता है। पर हाँ, इसके पास कुछ पावर्स है, जैसे कि दूर तक सुनने की, दूर तक देखने की, ये सब की पावर्स इसके पास है, पर सिचैन वुल्फ नहीं बन सकता। जब इनके मेरे बेटों का दूसरा बेटा जन्म लिया, मेरे भाई का दूसरा बेटा जब जन्म लिया, यानी कि वांग जी, तब वो एक वुल्फ के रूप में जन्म लिया था। और तब से लेके उसके जन्म लेने के बाद ही इसके मदर का डेथ हो गया, और इसके मदर के साथ ही साथ तुम्हारे मदर और फादर का भी डेथ हो गया था। उसके बाद से मेरे पापा, मेरे फादर वांग जी को बचपन से ही ट्रेनिंग देते आ रहे हैं कि उसे इस फॉरेस्ट को बचाना है। जब वांग जी करीब 3 से 4 साल का था, तभी उसने ये प्रॉमिस लिया था कि वो इस जंगल को बचाएगा, अपनी जान देकर भी वो बचाएगा। सो गाइस, मैं बता देती हूँ आपको, फर्स्ट चैप्टर में आपने जो सुना होगा डायलॉग स्टार्टिंग में, जो एक ग्रैंडफादर एक लड़का से कह रहे थे, वो कोई और नहीं, ये वांगजी था, जो छोटा बच्चा था वो वांगजी ही था, और जो ग्रैंडफादर थे वो उसके ग्रैंडफादर थे, वही उसको प्रॉमिस दे रहे थे। जब वांगजी करीब
6 या 7 साल का था तब उनके ग्रैंडफादर का डेथ हो गया था। उसके बाद से उसके अंकल यानी कि लैन कुरैन ही वांगजी और सिचैन को पाले हैं और वांगजी को सारा ट्रेनिंग लैन सिचैन लैन कुरैन साथ में नी फैमिली ये सभी फैमिली ने उसे दिया है ट्रेनिंग। जब विंग के मदर फादर का डेथ हो गया था तब तो विंग बहुत ही ज़्यादा इस सदमे से बहुत ज़्यादा उस ये सदमा लगा था जिसके कारण से वो बीमार हो गया था, जिसकी इलाज के लिए वो लोग गए थे शहर और वहीं पे वो लोग बस गए थे। और हाँ गाइस मैं एक और बात बता देती हूँ, वैन फैमिली भी इसी घुसू क्लान से ही आते हैं, ठीक है ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। सो हम स्टोरी पे आते हैं। ये सारी बात को सुन के ना विंग बहुत ही ज़्यादा उसके आंखों में आंसू आ जाता है और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है जो कि वांगजी आराम से मतलब अपने ब्रदर के हाथों से मतलब उसके ब्रदर उसे रेफल कर रहे थे ना मतलब प्यार से उसे, तो वो उसका एंजॉय कर रहा था और फिर वो ना अपनी आंखें खोल के विंग की तरफ देखता है और फिर अपने पलकों को झपकाता है जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। फिर तभी वांगजी को ना कुछ एहसास होता है और वो झटाक से खड़ा हो जाता है। उसको इस तरीके से खड़ा होता देख सिचन थोड़ा डर जाता है और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वांगजी ना पीछे मुड़ के अपने ब्रदर की तरफ देखता है और वो इशारों में बोलता है कि वो लोग फिर से आ रहे हैं। ये देख सुन के ना तो सिचन डर जाते हैं और बोलते तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम अभी घायल हो। तो फिर वांगजी बोलता है कि मुझे जाना होगा, ऐसा बोल के ना वो अपना बड़ा वाला रूप ले लेता है। करीब एक इंसान से इंसान के मतलब थोड़ा सा मतलब छोटा बट इंसान के बराबर का ही रूप ले लेता है और फिर वहाँ से वो दौड़ के जाने लगता है। विंग भी उसे रोकता है पर वो रुकता ही नहीं है। फिर उसके बाद ना मैडम यू बोल रही हूँ सिचैन ना विंग की तरफ देखता है और बोलते हैं वी वुशियान तुम भी तो एक वुल्फ हो ना, जाओ उसका पीछा करो। ये सुन के तो सभी लोग मतलब लैन कुरैन और मैडम यू जियांग फैम्यान जियांग याली जियांग चैन नी होसैन नी मिंजू नी जिन फैमिली मतलब सब लोग सॉफ्ट हो गए। जियांग चैन मन में सोचता है कि मैंने तो ये बताया ही नहीं कि विंग वुल्फ है। फिर वो नी होसैन की तरफ गुस्से में घूर के देखता है तो नी होसैन मना कर देता है अपने चेहरा हिलाते हुए कि मैंने नहीं बोला। और फिर विंग सॉफ्ट होके देखता है सिचैन की तरफ और पूछता है कि आपको कैसे पता कि मैं वुल्फ हूँ। ये सुन के तो सब और सॉफ्ट कि मतलब सच में विंग वुल्फ है। फिर सिचैन बोलते हैं तुम भूल रहे हो मेरे पास भी ये पावर है और मुझे स्मेल से ही पता चल गया था उस दिन कि तुम एक वुल्फ हो, समझ में आया, जा करके मेरे ब्रदर को बचाओ उसकी हेल्प करो। तो फिर विंग बोलता है ये हकलाते हुए सिचैन मैं नहीं कर सकता। तो फिर ये सुन के सिचैन गुस्सा आ जाता है और बोलते तुम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर सिचैन की तरफ अपना फिर मतलब मुंडी विंग नीचे कर देता है और बोलता है क्योंकि मुझे टर्न ऑन करने नहीं आता, मुझे वुल्फ बनने नहीं आता। ये सुन के सब हॉट सॉफ्ट। फिर मैडम यू बोलती तुम कैसे वुल्फ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता तुम्हें कैसे अपना रूप बदलना। तो फिर विंग ना अपनी आंखें ऊपर करता है बोलता है मदर मैं अभी अभी तो वुल्फ बना हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है, वो तो जब रात होता है फुल मून निकलता है तो मैं खुद ही वुल्फ में टर्न हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता इसमें और क्या क्या उस टाइम होता है मुझे खुद नहीं पता, अभी तो शाम भी नहीं हुआ है, करीब 4 से 5 का टाइम हो रहा था। तो फिर मैडम जी ने अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती ये कैसा लड़का है एक वुल्फ बन गया है फिर भी इसको ये भी नहीं पता कि इसे वुल्फ कैसे बनना है। तो विंग ने एकदम मासूम सा चेहरा बना लेता है मतलब जैसे रोने वाला चेहरा बना लेता है। फिर सिचैन बोलते हैं तुम मेरे साथ चलो। फिर सारी फैमिली जो रहती है ना वो विंग के पीछे जाती है मतलब विंग और सिचैन के पीछे जाते हैं और वो लोग ना मतलब थोड़ा सा जंगल में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे सिचैन बोलते हैं ये तुम ये मत सोचो कि तुम किसी दूसरे जगह पे आए हो, ठीक है तुम इस जंगल को अपना घर मानो, तुम इस जंगल को अपना मानो और तुम इसे महसूस करो
और इसे स्मेल करके अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तुम ये कर सकते हो, करो ये। तो फिर वी ना करने की कोशिश करता है, एक बार ट्राई करता है, दो बार ट्राई करता है, होता ही नहीं है। तो वो ना मतलब 3 से 4 बार ट्राई करता है पर होता ही नहीं है। फिर विंग ना पहले खुद को शांत करता है, बहुत जोर जोर की सांस लेता है, जो सांस लेता है फिर छोड़ता है, फिर लेता है छोड़ता है, फिर पहले खुद को काम करता है। सब लोग ये चीज़ देख रहा था। जब खुद को काम कर लेता है उसके बाद वो अपनी आँखों को बंद करता है और फिर उसके बाद वो ये प्रण लेता है कि उसे अपने प्यार को बचाना है, उसे वांग जी को बचाना है, उसे इस जंगल को बचाना है। अपने मन में ये सब बोलने लगता है। और जब ये सब बोलता है ना विंग, तो उसके जो मतलब अगल बगल में ना जो मतलब ज़मीन पे इसी तरह पत्ते वत्ते जब गिरे रहते हैं जो, वो सारे ना उड़ना स्टार्ट करते हैं। और ये देख के ना सिचन सबको बोलते हैं कि पीछे हटो। फिर जब सब लोग पीछे हट जाते हैं ना, तो फिर देखते हैं ना कि वो जो सारे पत्ते हैं ना, वो ना सब सबके सब गोल गोल घूम के विंग के आसपास घूमने लगते हैं। और सारे के सारे ना विंग में मतलब जैसे कि वो पूरी तरीके से एकदम चिपक जाते हैं एकदम पूरी तरीके से। और उसके बाद वो लोग ना धीरे धीरे विंग झुकना स्टार्ट कर देता है। और फिर झुकते झुकते ना वो एक वुल्फ में टर्न होता है। और जब टर्न होता है ना वो एक जोर की हाउल करता है। और ये देख के ना सबके फेस पे स्माइल आ जाता है। विंग जो कि एक ब्लैक कलर का वुल्फ बन जाता है, ब्लैक कलर का, पूरी तरीके से वो ब्लैक था, बस उसकी आंखें साइन कर रही थी और बाकी सब पूरा मतलब वो ब्लैक था। उसकी आंखें पूरी तरीके से एकदम इतनी ज़्यादा तेज साइन कर रही थी ना कि उसको के मतलब वो किसी को भी आराम से मार सकता है, वो मतलब पूरे होश में था। फिर उसके बाद ना सिचन उसको बोलते हैं विवोशियान। तो फिर ना वो जो वुल्फ विंग रहता है जो ना, वो पीछे मुड़ के सिचन की तरफ देखता है। तो फिर जो सिचन रहते हैं बोलते वांग जी को स्मेल करो, स्मेल करके उसका पीछा करो। फिर तब विंग उस वही करना स्टार्ट कर देता है। वो जो जब चारों तरफ स्मेल करता है और जब उसे जिस तरफ से वी मतलब वांग जी की स्मेल आती है ना, उस तरफ से एक पहले हाउल करता है और उसके बाद वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और इतनी स्पीड में दौड़ता है ना सिचन तो देख के शॉक्ड, ये क्या एक झटके में इतनी दूर चला गया, हमने तो इसका पीछा भी नहीं कर पाया। फिर उसके बाद नी हुसैन भी यही बोल रहा था कि ये तो इतनी जल्दी चला गया। फिर सिचन बोले एक जोर की सांस छोड़े और बोले कोई बात नहीं, मैं हूँ ना अपने भाई का, मैं पीछा कर खुद ही कर लूँगा। फिर उसके बाद सिचन अपनी आंखें बंद करते हैं और एक जोर की स्मेल लेते हैं और उस दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं जिस दिशा में वांग जी की स्मेल आ रही थी। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा पार्ट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि वांग जी और विंग दोनों मिलके कैसे बचाते हैं इस जंगल को। और अब तक का आपको स्टोरी कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लग रहा है ये स्टोरी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपका कमेंट नहीं आ रहा है, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि अगर आप लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। एंड अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। ओके गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग द माई वीडियोस। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी स्टोरीज को सुनते हैं, प्लीज़ आप लोग आगे भी सुनते रहेगा। थैंक यू एंड बाय बाय।